नमस्कार, हमारी खास पेशकश डॉक्टर के जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक मनोचिकित्सक हैं और कॉलर्स को बता देता चाहते हैं कि नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ डॉक्टर लगातार मौजूद हैं, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। और सर, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, जो नॉर्मल फ्लू होता है और कोरोना वाला जो फ्लू होता है, इसमें अंतर क्या होता है? हाँ, देखिए, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। कुछ लोग कर रहे हैं कि नॉर्मल फ्लू और कोरोना फ्लू एक जैसा है, तो देखिए, समझने वाली बात है, इसमें ये गलत बात है, दोनों ही अलग हैं। ये बात ठीक है कि दोनों ही एक वायरल इन्फेक्शन है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो भी एक वायरस से होता है, और ये जो कोरोना है या कोविड-19 जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये भी एक वायरस से होता है। लेकिन हर एक वायरस की जो इन्फेक्शन है, फैलने की स्थिति है, बीमारी पैदा करने की स्थिति है, कितना कंटेजियस एक दूसरे से फैलता है, वो अलग अलग होता है। उसी तरह ये कोरोना जो है वो नॉर्मल कॉमन फ्लू से कहीं ज़्यादा घातक है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है, जो एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें करता है और शरीर के बहुत सारे अंगों को इफेक्ट करता है, जो कि कॉमन कोल्ड सिर्फ और सिर्फ आपके ज़्यादातर फेफड़ों में और गले तक ही सीमित रहता है। जी डॉक्टर, इसके लक्षण क्या होते हैं कोरोना वायरस के? हाँ, ताकि हम पहचान सके। देखिए, कुछ कुछ लक्षण कॉमन फ्लू के जो होते हैं या कॉमन कोल्ड के होते हैं, उस तरीके के कोरोना के भी होते हैं, लेकिन 3-4 लक्षण हैं जो बहुत ही कॉमनली पाए गए हैं ऑलमोस्ट 80-90% केसेस में। वो है बॉडी एक या शरीर में दर्द होना, सूखी खांसी आना और तेज़ बुखार होना। ये 3 सिम्टम्स हैं। अगर बॉडी एक है, सूखी खांसी है और तेज़ बुखार है, तो ये 3 80-90% में होता है। लेकिन इसके साथ 40-50% केसेस में ये भी पाया गया है कि जैसे कि गले में खराश होना, डायरिया होना, शरीर में टूटन होना, ये सारे लक्षण भी कई बार रनिंग नोज, जैसे कि कॉमन कोल्ड में होता है, इसमें भी रनिंग नोज पाई जाती है। तो ये लक्षण ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ लोगों में पाए जाते हैं। आपने ये लक्षण बताए हैं, लेकिन जिस तरह की जो खबरें सामने आती हैं, जो केस सामने आए हैं, उसमें ये है कि जो 80% जो पेशेंट हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ लक्षण नहीं पाया गया। हाँ, फिर भी कोरोना वायरस पाए गए, आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, हमें सबसे पहले जब हम कोरोना की बात करते हैं तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, एक सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। दोनों का मतलब समझें। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो कि 80-90% लोगों में है, ये वो कैरियर्स हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन है, इनका टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आएंगे, लेकिन इनके अंदर कोई भी शारीरिक लक्षण नहीं पाया जाता है। जैसे उदाहरण मैं अभी आपको दूं, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, आर्थर रोड जेल जो कि मुंबई में है, वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करी गई 200 या कुछ लोगों की। रैंडम सैम्पलिंग मतलब उन्होंने जेल के कुछ कैदियों की, कुछ वहाँ के कर्मचारियों की, कुछ पुलिस वालों को ऐसे ही रैंडमली उठाया और उनके टेस्ट करे, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसमें 150 लोग पॉजिटिव आ गए। ये रैंडम सैम्पलिंग थी, इसमें कोई भी पेशेंट 90% जिनको कोई लक्षण नहीं थे, बट उनको कराया गया तो पॉजिटिव आए। तो ये समझने की बात है कि कोरोना, ये एक अच्छी खबर भी है एक तरीके से, हमें समझना पड़ेगा कि कोरोना की के बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं, वो आप में हो सकते हैं, मेरे अंदर हो सकते हैं, यहाँ पे जो लोग समाज में उनके अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक। तो कई बार इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होता है और शरीर हमारे शरीर में एक चीज़ कही जाती है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं या रोग प्रतिरोधक शक्ति, वो यंग लोगों में बहुत अच्छी होती है। तो कई बार हमारे अंदर वायरस आता है माइल्ड में, हल्का सा इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उसका कोई लक्षण नहीं आते। तो डॉक्टर, इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि मान लो अगर कोई हमारे साथ बैठा हुआ है तो हम कैसे पहचाने सुनते कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है? देखिए, किसी के अगर मान लीजिए, जैसे मैंने कहा, एक तो सिम्प्टोमेटिक हो गए जो कि पॉजिटिव आया टेस्ट भी, और साथ में उनके अंदर लक्षण भी हैं, तो वो तो आपको पता चल जाएगा, उनके अंदर फीवर होगा, कफ होगा, गले में खराश होगी, या कोई ना कोई लक्षण जो मैंने अभी पहले बताए उनमें से होंगे। लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको पता लगाना पॉसिबल नहीं है बिना टेस्ट के, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ उस केस में क्या करना है, हमें ऐसे लोगों को, ये नहीं कि लोगों से दूर भागना है, हमें सिर्फ अपना जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखना है, अपनी हाइजीन है उसको मेंटेन करना है, हैंड वॉश करते रहना है, सो दैट कि अगर मेरे अंदर इन्फेक्शन है भी, मान लीजिए मैं तो एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं आ रहे, तो मैं दूसरों को ना फैलाऊँ। और स्पेशली वो एज या वो लोग जो बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा प्रभावित हो, जैसे ओल्ड एज पीपल जो बहुत ओल्ड एज है, नंबर 2 जो कि क्रोनिक इलनेसेस से पीड़ित है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो लोग, तीसरे बच्चे,
इन लोगों को, चौथी प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं या जो अभी नए अभी रिसेंटली जिनकी डिलीवरी हुई है, उन लोगों को हम बिल्कुल सेफ रखना चाहिए और ये वो कैटेगरी है जिसको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए। जी डॉक्टर, घर अब आजकल जो मौसम बदलाव भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बारिश हो रही है, आंधी भी आ रही है, जिस वजह से लोगों को हल्का सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तो क्या उनको टेस्टिंग कराना जरूरी है कोरोना की? देखिए, अच्छा सवाल है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि आजकल अब ये मौसम वो आ रहा है, अभी वो टाइम आ चुका है जब कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन होने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन ये इसको आप ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी कह सकते हैं कि क्या है कि कॉमन कोल्ड भी एक ऐसा इन्फेक्शन था जो एक दूसरे से फैलता था, लेकिन चूंकि अब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी पालन कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, तो इस बार जो कॉमन फ्लू जो या कॉमन कोल्ड जो आना था उसके नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम है। उसका रीज़न यही है कि हम लोग वो हैं, हम लोग ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो आपका सवाल ये था कि क्या हमें टेस्ट कराना चाहिए, तो हाँ, अगर आपके अंदर फीवर आ रहे हैं, आपके अंदर बॉडी एक है या उस तरह से सिम्टम्स आने, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए एंड लेट द डॉक्टर डिसाइड कि आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं या आपको टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से, दिलीप जी सवाल पूछिए, माफी चाहेंगे, विनीत हमारे साथ जुड़े हुए फरीदाबाद से, विनीत जी सवाल पूछिए। डॉक्टर सर नमस्कार, मेरे को ये पता करना था कि जो आजकल जैसे सब्जी वालों के थ्रू ये कोरोना वगैरह फैल रहा है, तो उस पे सब्जियों वगैरह को हम कैसे यूज करें? हाँ बिल्कुल विनीत जी, धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। आजकल जैसे हम सोशल मीडिया पे बहुत सारा देख रहे हैं कि लोग ये चीज़ें फैल रही हैं कि लोग सब्जी वालों से सब्जी नहीं ले रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो देखिए मेरा मानना ये है कि बिल्कुल ये कोरोना वायरस सब्जी के थ्रू या उन चीज़ों जो अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, अगर वो उस सब्जी को सेल ऑफ कर रहा है, तो इन्फेक्शन हमारे घर तक पहुँच सकता है। तो लेकिन ये डिफ्रेंशिएट करना ये पॉसिबल नहीं है कि भाई हमें नहीं पता कि जिससे हम सब्जी ले रहे हैं उसको वो इन्फेक्शन है कि नहीं है। वो तो उसका भी सिंपल तरीका यही है कि हमें अपने घर में जो हम सब्जी ला रहे हैं, किसी भी तरह के फल ला रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से वॉश करें, बहुत अच्छे से गर्म पानी में थोड़ी देर डुबो के रखें उसको, फिर उसको अच्छे से वॉश करें, और सब्जियों को जहाँ तक हो सके आप उन्हें फ्राई करने से अच्छा उन्हें बॉयल करके बनाएं, जिससे कि बॉइलिंग टेम्परेचर तक जब सब्जियां जाती हैं तो ऑलरेडी सारे वायरस मर जाते हैं उसमें, तो राधा देन उन्हें तड़का लगा के छौंकने से बढ़िया है कि उनको बॉयल करके बनाएंगे तो सारे इन्फेक्शन ऑलरेडी उसमें मर जाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आमिर है गुरुग्राम से, आमिर जी सवाल पूछिए। हेलो जी, आमिर जी सवाल पूछिए। सर मेरा ये सवाल है कि मेरे तीन प्रॉब्लम है, मेरा सर में दर्द होता है और मैं ज्यादा देर लेटता हूँ तो मेरे दोनों बाजू में दर्द होता है, मतलब दोनों तरफ पीठ में दर्द होता है और सर में ज्यादा दर्द होता है, और जो मैं मतलब अभी कोरोना पॉजिटिव चल रहा है, कोविड-19, जो मैं बाहर से जो सब्जी लाता हूँ उनको किस तरह लाऊं और किस तरह रखूं? ठीक है आमिर जी, धन्यवाद। जितने में आपके दो सवाल हैं जैसा मैं सुन पाया हूँ, पहला सवाल आपका ये है कि आपकी पीठ में और हाथों में दर्द रहता है और सर में दर्द रहता है, तो हमें समझना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी लक्षण पहले बता चुका हूँ कि अगर साथ में बुखार है, गले में खांसी है या सूखी खांसी है, तो आपको ज़रूर किसी आसपास में किसी डॉक्टर से या सरकारी अस्पताल में जाके मिलना चाहिए। नहीं तो अगर यदि सिर्फ पेन है जो कि सर में है या बॉडी में, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेजीनेस, अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, पूरे दिन पड़े रहते हैं बेड पे या किसी चीज़ में, तो ऑलरेडी आजकल लेजीनेस की वजह से भी बॉडी में बहुत सारे एक्स एंड पेन होते हैं, तो उसके लिए मेरी सलाह यही देगी कि अगर भी फीवर ईवर नहीं है आपको तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लिया करें, थोड़ा सा सुबह उठ के दौड़ लिया करें, छत पे ही कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाएं, स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सियां कूद सकते हैं, जिससे कि थोड़ी इससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी तो पेन और एक्स खत्म हो जाएंगे। और दूसरे सवाल का जवाब शायद मैंने अभी दिया था कि सब्जियां या कैसे रखनी है, तो मेरा ये कहना है कि सब्जियां हमेशा जब लाएं तो उन्हें सबसे पहले अपने किचन में ले जाने से पहले ही उसको अच्छे से वॉश कर लें और उनको अच्छे से करने के बाद तो फ्रिज में रख लें, और फ्रिज में जब वापस यूज़ करते हैं तो फिर वॉश करें और उसको बनाएं, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुंदर लाल है पटियाला से, सुंदर लाल जी सवाल पूछिए। भाई नेम इज सर, मैं ना पटियाला से बोल रहा हूँ, आप बताइए कि कोरोना के नाल कोई बंदा होता है उसके लिए आप जीने का क्या तरीका है, नाल कोई बंदा हो उसके क्या पहचान करते होते हैं? सुंदर लाल जी अपना सवाल थोड़ा स्पष्ट करिए।
सर मैडम मेरा ना सवाल यह है कि मैं किसी ने मेरे अपने नाल कोई बंदा हो कोई नाल बंदा जा रहा हो हम उसके पहचान किस्सा कर सकते हैं पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए सुंदरलाल जी, मैंने वही बताया आपको भी सवाल है कि दो तरीके के कोरोना के पेशेंट्स हैं, एक हैं एसिम्प्टोमेटिक और एक हैं जो सिम्प्टोमेटिक है। जिनको ऑलरेडी फीवर है, कफ है, उनको तो ऑलरेडी उनके अंदर लक्षण होंगे, लेकिन आप जो ज़रूरी है हमें उनसे कैसे बचना है कि जिनको लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इसमें किसी को देख के नहीं बताया जा सकता कि इसके अंदर कोरोना के लक्षण सिम्टम्स कोरोना का वायरस है कि नहीं। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ वही पालन करना है जो इतने दिन से हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड वॉश करके रखना है, अपनी हाइजीन मेंटेन रखनी है, मास्क लगा के रखना है, बस यही करना है और इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मनोज है दिल्ली से। मनोज जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं मनोज बोल रहा था सागरपुर से। जी सवाल पूछिए मनोज जी। हाँ जी मैम, मेरे को मानसिक ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज तो चल रहा है मेरा काफी टाइम से। हेलो मनोज जी, थोड़ा और स्पष्ट करके बताएं अपने लक्षणों के बारे में, कुछ बताएं। और तो सर किसी ने कुछ नहीं, अभी तक मेरा जो दवाई चल रही है वही चल रही है। एक तो ना कमजोरी बहुत होती है, 10 साल से दवाई चल रही है मेरी। जी ठीक है, और कोई लक्षण कमजोरी के अलावा? ओ कमजोरी सर है काफी टाइम से मेरे को, 10 साल से, और ये दौरे मेरे को पड़ते ही रहते हैं, 8 महीने के अंदर आएगा ही। ठीक है, देखिए क्या परहेज वगैरह बता दीजिए थोड़ा सा अगर हो तो। देखिए मनोज जी, एग्जैक्टली डिटेल में समझना पड़ेगा आपकी बीमारी के बारे में, क्योंकि कमज़ोरी होना है, कमज़ोर फील करना, तो बहुत सारी लक्षण बीमारियों में आ सकता है मानसिक रोग की, जैसे कि डिप्रेशन में भी कमज़ोरी आती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें भी कमज़ोरी की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। प्लस साथ में आपने शायद कुछ दौरे वाली बात कही, तो जैसे सीजर डिसऑर्डर या जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, अगर वैसे भी लक्षण हैं, तो मेरा मानना है कि अभी एज ऑफ नाउ आप दवाएं कंटिन्यू रखिए। और कमज़ोरी का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम खूब सारा घर में पानी पिएं, फ्रूट्स का सेवन करें, फलों का ज़्यादा खाएं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, और थोड़ा सा फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर में कमज़ोरी मिटाने के लिए मेरा मानना है कि फिज़िकली एक्टिव बहुत रहें, किसी भी तरीके के आधे से पौन घंटे फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, चाहे स्ट्रेचिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, जुम्बा हो सकता है, जिम भी हो सकता है, बट आधे से पौन घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करें। जी, अब चलिए देखा जा रहा है जो लोग होते हैं, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपको मैं रोकना चाहूँगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रामचंद्र है उज्जैन से। रामचंद्र जी सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार, मुझे 5-6 साल से थोड़ी बहुत कब्जी है, और इसका घरेलू इलाज क्या हो सकता है? अच्छा, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएंगे। 5-6 साल से थोड़ी कब्जी है, थोड़ी अच्छा काम हो जाता है, तो घरेलू इलाज क्या हो सकता है? ठीक, जैसे आपने सवाल पूछा कि कुछ सालों से कब्जियत रहती है, तो कब्जियत का जो घरेलू नुस्खा हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना दवाइयों का, उसमें है कि पहली चीज़ हमें फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। फाइबर में जैसे कि गाजर, मूली, ककड़ी, ये वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रात में मुनक्का को भिगो के खाएं, तो मुनक्का को अगर आप भिगो देंगे अगले दिन सुबह खाएंगे तो उससे भी काफ़ी कब्जियत दूर होती है। लेकिन यदि ये हर समय बनी हुई है तो फिर एक बार डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि 5-6 साल काफ़ी ज़्यादा समय होता है, और कब्जियत बहुत समय तक बनी रहे तो शरीर के और अंगों को भी परेशानी करता है। तो कुछ जो नुस्खे बताए मैंने उनको इस्तेमाल करिए, नहीं तो फिर डॉक्टर से मिलिए अगर नहीं आराम आता है तो। डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, रेनू है हरियाणा से। रेनू जी सवाल पूछिए। हाँ जी हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैम मेरे को ना मतलब अभी इसी मंथ मतलब ज्यादा खांसी जुकाम चल रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ऐसे ही, मतलब टेबलेट लेती हूँ या फिर खांसी की दवाई लेती हूँ तो फिर दोबारा से फिर यही प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। ठीक, तो रेनू जी आपका सवाल यह है कि शायद बारी बारी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, और ये सारे लक्षण काफ़ी समय से आप दवाइयाँ भी ले रही हैं लेकिन इसका कोई परमानेंट हल नहीं मिल पा रहा है आपको। तो देखिए
कई बार इंसान की ना इम्यूनिटी कमज़ोर जब होती है तो इसके चांसेस बहुत होते हैं। कुछ लोगों को कॉमन फ्लू रोज़ ही मतलब हर साल दिन साल में 3 बार हो जाता है, कुछ लोगों को कई कई साल नहीं होता है। तो इसको मैं कहते हैं अपना रोधक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएं कैसे, तो उसके लिए मेरा कहना है कि एक तो विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी स्लीप को ध्यान रखें, नींद बहुत अच्छी रखनी चाहिए, नींद हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज करते रहें। अच्छा, खान पीन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ग्रीन लीफी या जो हरी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल करें, और भोजन को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, भोजन को छोटे छोटे मील्स में मल्टीपल मील्स में लेना चाहिए। हमारी एक इंडियंस की हैबिट होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, तो जब ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं तो उससे भी एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में। तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करिए, अपने आप को हेल्दी रखिए और होपफुली आपके लक्षण कम हो जाएंगे। तो कल से बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, दीपक हैं कानपुर से। दीपक जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। दीपक जी पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। जी मैडम, ये क्या कहते हैं, जुकाम हो जाता है। हाँ, ये देखिए आपका सवाल है कि पंखे में लेटते हैं या एसी में लेटते हैं तो आपको जुकाम है, फिर धूप में वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो एक बीमारी होती है जिसको साइनोसाइटिस कहते हैं, तो जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है उनमें ये लक्षण काफ़ी कॉमन होता है। तो साइनस हमारे जो कुछ हवा की समझ लिए चीज़ें होती हैं नाक और ब्रेन के बीच में, तो जिनमें वो साइनस में इन्फेक्शन बारी बारी होता रहता है तो उनके अंदर ये लक्षण आते हैं। तो मेरा मानना है कि आप किसी भी ENT के डॉक्टर से, जो कि नाक कान गला के डॉक्टर कहते हैं, उनसे मिलें, अपना एक CT स्कैन कराइए और शायद साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है आपको जिसकी वजह से होता है उसका इलाज कराइए और ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर, क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए खान पान बदलने की कोई ज़रूरत है? बिल्कुल, खान पान, मेरा मानना है खान पान बदलने की ज़रूरत सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। एक 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 रूटीन में हम इंडियंस को अपने खान पान में एक तौर पे बदलाव लाना चाहिए। यदि आप देखें तो खान पान हमारा जो ऋषि मुनि है, अगर की बात करें, वेदों की बात करें, उसमें भी लिखा हुआ है कि खाना हमें बहुत ही थोड़ा खाना चाहिए। जैसे कि एक कहावत है कि ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड ईट योर लंच लाइक अ कॉमन मैन एंड ईट योर डिनर लाइक अ बेगर। हम इसका उल्टा कर रहे होते हैं, हम रात में इतना सारा खा लेते हैं, लंच थोड़ा करते हैं और ब्रेकफास्ट तो कई लोग स्किप कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्रेकफास्ट हमारा सबसे अच्छा और हैवी होना चाहिए, लंच उससे कम, और डिनर हो सके तो स्किप करें, नहीं तो बहुत थोड़ा सा दूध ले लें, फल ले लें या किसी लिटिल बिट कुछ लेके अपना चलाएं। तो हमें भोजन को अपने मल्टीपल उसमें तोड़ना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 चीज़ों का इस्तेमाल कम होना चाहिए, जो कि शुगर, चीनी, आलू और चावल, इनका इस्तेमाल अपने लाइफ के खान पीन में कम रखना चाहिए। कहीं ना कहीं हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं चीनी तो नहीं लेते, लेकिन आप दिन की अगर 4 चाय पी लें तो उसमें ही आप 2-2 चम्मच करके 8 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो हम डॉक्टर्स में कहावत है भाई, चीनी को सफ़ेद जहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 चीज़ों का अगर परहेज कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए भी और भविष्य के लिए भी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मनोज हैं गाजियाबाद से। मनोज जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ मैम जी, सवाल पूछिए। एलर्जी है जैसे चने से है, अंगूर है, सौंफ से, मैंने एलर्जी टेस्ट कराई तो मुझे बार बार गले में खराश हो जा रही है, इसके लिए मैं थोड़ा योगा भी कर रहा हूँ। कुछ गले में खराश हो रही हो? देखिए आपका सवाल कुछ थोड़ा सा आधा अधूरा सा रह गया, लेकिन आपने सवाल शायद इसलिए किया, कुछ ऐसा है कि अंगूर खा लेते हैं, अनार खाते हैं तो शायद गले में खराश हो जाती है बार बार। तो देखिए कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर या कुछ चीज़ों से एलर्जी भी होती है, और एलर्जी के लक्षण ज़रूरी हो सकता है कई बार बारी बारी खराश होना या जुकाम हो जाना, ऐसे लक्षण भी आ सकते हैं एलर्जी के लिए। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है, जैसे कि कोई ऐसा चीज़ जिसको खाने के बाद आपको हमेशा खराश होती है, तो वो चीज़ बंद कर देना चाहिए, बिकॉज़ शायद आपको एलर्जी हो उस चीज़ से।
और बाकी इतने ही मेरे को भी आपका सवाल समझ में आया था जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए अजय हैं दिल्ली से। अजय जी सवाल पूछिए जी। अजय हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। अजय जी सवाल करिए जी। जी जी ऐसा है, हेलो मैम, हमारे हाथ पैरों में सुने रहते हैं और जो हाथ जो है सीधा हाथ उंगली काम नहीं करती है। हेलो जी डॉक्टर अजय। अजय जी आपका सवाल है कि शायद सीधे हाथ की उंगली में कुछ तकलीफ हो रही है या फिर हाथ पैर सुन्न रहते हैं। तो देखिए हाथ पैर सुन्न रहने के मतलब नसों की कोई दिक्कत हो सकती है। बिना टेस्ट किए बिना जांच कहना मुश्किल है, लेकिन अगर नसों की दिक्कत है तो नसों में के कारण बहुत सारे डायबिटीज़ में भी नसों में दिक्कत आती है। तो मेरा राय रहेगी कि आप एक बार अपनी शुगर टेस्ट कराएं और उसके बाद अगर वो नॉर्मल आती है तो फिर किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें या नसों के डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर जो लोग पहले से बीमार हैं, किसी को डायबिटीज़ है या कैंसर है या फिर टीबी है, तो वो क्या सावधानी बरते इस कोरोना वायरस में? बिल्कुल, ये जैसे कहावत है, ये वो लोग हैं जो एकदम पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए हैं, जरा से धक्का लगे तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग भी हैं, जो दुनिया भर में कोरोना से जो मरने वाले लोग हैं उसमें से सबसे ज़्यादा तादाद इन्हीं लोगों की है जिनको डायबिटीज़ रही है, क्रॉनिक कैंसर्स रहे हैं, क्योंकि कैंसर में हमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो हमारी इम्यूनिटी ख़त्म कर देती हैं, तो वो लोग रहे हैं। तो मेरा मानना है ये लोगों को लॉकडाउन का बिल्कुल 100% एकदम पालन करना चाहिए, जैसे कि अपने आप को बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, कि हमेशा हाथ को वॉश करते रहें हर थोड़ी थोड़ी देर में। घर का कोई सदस्य अगर ऐसा है जो घर के और कामों के लिए बाहर जाता है आता है यंग है, तो उससे थोड़ी दूरी ज़्यादा बना के रखें, क्योंकि चांसेस हैं कि वो बाहर से कहीं उसको इन्फेक्ट हो गया। वो खुद तो ये सिम्टोमेटिक है जैसे मैंने बताया, उसके अंदर खुद लक्षण नहीं है, लेकिन वही इन्फेक्शन आपको अगर हुआ तो आपके अंदर लक्षण भी आ सकते हैं और गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे कि कोरोना में लंग्स में हो जाता है जिसको हम सार्स कहते हैं या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं घातक। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, ममता है कानपुर से। ममता जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब मैं मोनिका परमार बोल रही हूँ श्यामनगर से जी। सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये कोरोना जो है मतलब मैं रोज रोज पेपर में पढ़ती हूँ, न्यूज में देखती हूँ, मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मुझे लगता है मेरे को ही हो गया है कोरोना। कभी कभार तो मैं पूरा दिन अपना हाथ धोती रहती हूँ, हाथ धोती रहती हूँ, मुझे लगता है मेरे हाथों में वायरस चिपका हुआ है। डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मैं पूरे दिन हाथ धोती रहूँ धोती रहूँ धोती रहूँ। और मैंने ना पेपर में पढ़ा है कि ऐसा एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम शायद OCD कहते हैं, आप रोज हाथ धोते रहते हैं तो जी बिल्कुल। डॉक्टर आपको मैं रोकना चाहूंगी, HOD मिनिस्टर क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। CBSE स्कूलों को मूल्यांकन का केंद्र चिन्हित कर दिया है। इन 3000 जो मूल्यांकन केंद्र हैं, इन मूल्यांकन केंद्रों से अब ये कॉपियां अध्यापकों तक पहुंचाई जाएगी और अध्यापकों तक पहुंच करके वो मूल्यांकन करेंगे। मैं गृहमंत्री जी का हृदय से बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने हमको ये सुविधा दी है कि हम 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम शुरू कर दें और जो 3000 केंद्र हैं वहाँ से अध्यापकों के घरों तक उन उत्तर पुस्तिकाओं को जो पहुँचाने की व्यवस्था की अनुमति गृह मंत्रालय ने हमको दी है। मैं गृह मंत्रालय का आभार प्रकट कर रहा हूँ और सभी छात्रों को विद्यार्थियों को और सभी अभिभावकगण को और आदरणीय अध्यापकगण को ये कहना चाहूँगा कि अब हम बहुत जल्दी कल से ही ये काम शुरू कर रहे हैं और इन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से ये 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएँ अध्यापकगण के घर तक पहुँचेंगी और वहीं पर मूल्यांकन करके वो वापस करेंगे। ये लगभग 50 दिन में हम इस कार्रवाई को पूरा करेंगे और इस बीच ये मूल्यांकन जैसे हमारा पूरा होता है और जो अवशेष परीक्षाएं जैसे वो पूर्ति होती है तो हम बहुत जल्दी परीक्षा परिणाम भी घोषित कर सकेंगे। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी उत्तर पुस्तिकाओं का
आप मूल्यांकन का काम आप पूरा करेंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट आपके पास होगा। मेरी शुभकामनाएं कि जो बचे हुए पेपर्स आपके हैं, जो मूल विषयों के 29 विषयों के पेपर हैं जिसके बारे में मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, उसकी आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, और जो उत्तर पुस्तिकाएं जो 173 विषयों की जो परीक्षाएं हो चुकी थी उन 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का हम बहुत अच्छे से मूल्यांकन कराएंगे और उसका काम हम कल से ही शुरू कर देंगे। मेरी आपको शुभकामना कि इस महामारी के समय में आप मस्त भी होंगे, बिना किसी दबाव के पढ़ भी रहे होंगे, अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप मस्ती के साथ अपने समय को गुजार रहे होंगे, और जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हमको मिल रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार जो हमसे आग्रह करते हैं, हम जरूर उन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि हम 7 कौन सी बातें हैं, मुझे भरोसा है वो 7 बातें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे बांटी थी, उनका हम हर पल स्मरण करके और अपनी सुरक्षा भी कर रहे होंगे। मेरी शुभकामना। मिनिस्टर को सुन रहे थे, जो आपने उन्होंने कहा कि जो परीक्षाएं रह गई, सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं रह गई हैं वो परीक्षाएं पूरी की जाएंगी, और बता दें आपको 5 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ये परीक्षाएं की जाएंगी, और वहीं पर जो 1.5 करोड़ से अधिक कॉपियां जांचने के लिए भेजी जाएंगी, और ये काम कल से शुरू हो जाएगा, इसकी जो अनुमति है गृह मंत्रालय ने दे दी है। जी हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़ी हुई है, ममता है कानपुर से। ममता जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने अभी आपको बताया कि मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि पूरे दिन घबराहट होती रहती है, रात में नींद नहीं आती है, पूरा ममता जी मैंने आपका सवाल सुन लिया है, ममता जी मैंने आपका सवाल सुन लिया है, ये ओसीडी जैसा ममता जी ने खुद ही अपने लफ्जों में बोला, इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, ये बीमारी कोरोना से रिलेटेड नहीं है, ये एक मानसिक रोगी की बीमारी है या मानसिक रोग है, जिसमें कि मरीज को या इंसान को ऐसा लगता है कि उसके हाथ गंदे हो गए हैं और वो बारी बारी धोता है, उसे खुद को पता होता है कि उसके हाथ वो अपनी धुल के आया है, साफ़ हैं, लेकिन मन में अगेन वो एक थॉट आता है, एक विचार आता है कि नहीं फिर से हाथ धुलना है, और वो संतुष्टि नहीं मिलती है उसको जब तक उसको कई बार ना धोता रहे, और फिर वापस से वही थॉट आने लग जाता है, तो इसे हम ओसीडी कहते हैं। और इसे ममता जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बीमारी बिल्कुल ही ठीक होने वाली है, इसका आप तुरंत से तुरंत किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ या साइकाट्रिस्ट से मिलें और इसका इलाज पूर्ण तरह संभव है। जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दीपक है राजस्थान से, दीपक जी सवाल पूछिए। दीपक जी सवाल पूछिए। मैम एक मेरी 1.5 साल की बच्ची है, उसको कान आती है, तो कान की कोई क्या संख्या कई बार हो रहा है, और जैसे दवाई दे रहा हो तो उसे ठीक हो जाती है, फिर वापस कान आ जाती है कुछ दिन बाद, 1-1.5 महीने बाद। मैं सवाल सुन नहीं पाया। 1.5 साल की बच्ची है, उसका कान बहता है, तो उसके बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए बच्चों में कान बहने की जो है वो काफ़ी कॉमन पाई जाती है, बच्चों में किसी भी तरह में, क्योंकि पर्दा बहुत पतला होता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और कई बार क्रॉनिक वो बन जाता है, तो इसका मेरा ज़रूरी है कि इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, और तुरंत ही किसी पीडियाट्रिशियन बच्चे के डॉक्टर से या नाक कान गले वाले डॉक्टर से मिल के इसका इलाज शुरू करें, और ये ठीक हो सकता है बिल्कुल। डॉक्टर, जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमित में आ चुके हैं, जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, क्या वो ठीक होने के बाद फिर से उसके वायरस के चपेट में आ सकते हैं? हाँ देखिए, क्योंकि ये वायरस बहुत ही नया है, अभी इस पर रिसर्च काफ़ी चल रही है, लेकिन हाँ ऐसे कुछ पूरी दुनिया से कुछ ऐसी न्यूज़ आई है, ऐसे कुछ खबरें आई हैं जिसमें ये पाया गया है कि एक इंसान जो कि कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसके वो ठीक हो गया, उसका थर्ड टेस्ट निगेटिव आया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद वापस से वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। सो री इन्फेक्शन पॉसिबल है इस बीमारी में, जैसे कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन में री इन्फेक्शन पॉसिबल होता है, लेकिन जनरली या आम तौर पे जब दोबारा इन्फेक्शन होता है तो लक्षण उतने तीव्र नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी ने ऑलरेडी उस वायरस के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली होती है। जी
तो कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर तो हमारे साथ डॉक्टर भी लगातार मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिनेश रुद्रपुर से जुड़ गए हैं। दिनेश जी सवाल पूछिए। जी मैडम, डॉक्टर साहब मेरे गले में ना थोड़ा खराश है और खांसी होती है, तो क्या मुझे कोरोना के लक्षण मान सकते हैं इसको? दिनेश जी आपको बुखार उखार आया है क्या पिछले एक हफ्ते के अंदर? नहीं सर, कोई बुखार नहीं है, गले में हल्की खराश है और हल्का कफ है। और कफ सूखा है कि बलगम भी आता है साथ में? हाँ बलगम भी आता है, हल्का बलगम भी आता है। अच्छा ठीक है, कोई सांस तो नहीं फूलती? कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए गले में खराश होना माइल्ड सा इन्फेक्शन भी हो सकता है जो किसी बैक्टीरिया से भी हो सकता है, तो आप ये कर सकते हैं कि अभी एक दिन या दो दिन तक अपना गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ा सा गरारा कर लें और बीटाडीन के गार्गल भी कर सकते हैं। यदि 24 से 48 घंटे में इससे आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो फिर आप एक बार किसी पास में डॉक्टर से मिल के अपना टेस्ट करवा सकते हैं। डॉक्टर क्या अल्कोहल कोरोना वायरस को मार सकता है, क्योंकि सैनिटाइजर में भी अल्कोहल थोड़ी बहुत मात्रा में होता है? नहीं, अल्कोहल देखिए सैनिटाइजर के रूप में हम जब भी बात करते हैं तो 80-90% उसमें जब अल्कोहल कंटेंट होता है तो वो ज़रूर इफ़ेक्टिव होता है कोरोना को मारने में। लेकिन अगर आप इसको जो कुछ सोशल मीडिया में फैल रही अफवाहें कि अल्कोहल पीने से या शराब पीने से आपके कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ये बहुत ही गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि जनरली हमारे अल्कोहल में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी भी अल्कोहल ड्रिंक में बहुत कम होती है, और उसका अल्कोहल और जो हमारा कोरोना है और जो ब्लड में जहाँ जाता है अल्कोहल, उसका कोई लेन देन नहीं है। डॉक्टर अगर मेरा सवाल आपसे रहेगा, डॉक्टर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आकाश है पीलीभीत से, आकाश जी सवाल पूछिए। अरे मैम, कहते सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है शरीर का। आकाश जी आपका सवाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, फिर से सवाल पूछिए। पहले आप टीवी का वॉल्यूम कम करें। सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है शरीर का, बार बार दो बार हो चुका है जिससे कि हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। हेलो आकाश जी, आप अपने बारे में बता रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा आपकी उम्र कितनी है? सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है शरीर का, दो बार कम हो चुका है। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 25। 25 साल है, तो ये आपको कैसे पता चलता है कि आपका सोडियम पोटेशियम कम हो गया? आप हर बार टेस्ट कराते हैं? नहीं नहीं, 2016 में हुआ था तब पता लगा था, तब भी हमने कहते हैं दवा खाई थी गलत और दोबारा लिस्ट में भी हो गया था,
देखिए, शरीर में जनरली सोडियम पोटेशियम यंग एज में सिर्फ एक ही कंडीशन में कम हो सकता है, अगर हमारे कोई किडनी या गुर्दे में कोई दिक्कत हो। अदरवाइज जो नॉर्मल इस एज में अगर कम हो सकता है कि यदि आप धूप में बहुत देर बिना पानी के काम करते रहें, बहुत सारा पसीना निकले, तो पसीने में सोडियम का लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, तो उसमें कम हो सकता है। लेकिन यदि आपके बिना एसी रूम में बैठ के या बिना धूप में निकले भी यदि आपका सोडियम बार बार कम हो रहा है, टेस्ट में भी आ रहा है, तो आपको ज़रूर कोई किडनी वाली दिक्कत हो सकती है, जिसका आपको जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। पानी का और नमक का सेवन बनाए रखें, इस गर्मियों में वैसे भी बनाना चाहिए, शिकंजी पीते रहें उसमें नमक ज़रूर डालें। जी डॉक्टर, अगर किसी की मौत हो जाती है कोरोना वायरस के चलते, तो क्या उस डेड बॉडी से कोरोना वायरस फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है, इसीलिए आजकल जो सैनिटाइज जो बॉडी डेड हो जाती है उनको एक प्लास्टिक के बैग में हम सील करके उसको जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है उसमें जाके क्रिमेशन किया जाता है। उसको नॉर्मल जो प्रक्रिया होती थी हम लोग जलाने वाली, उसको नहीं फॉलो किए जाती हिंदू समाज में, मुसलमानों में। फिर जैसे मुस्लिम या अदर जो धर्म है क्रिश्चियनिटी, उसमें जिसमें दफनाने वाला रूल है उसमें भी उसको सील करके फिर दफनाते हैं, क्योंकि ये बॉडी से काफ़ी समय तक इन्फेक्शन फैल सकता है। डॉक्टर, जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध मुहे बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या सावधानी बरत सकते हैं? देखिए, जो जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी माँ का भी दूध पीते हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का उन्हें खतरा है अपनी माँ से ही। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि गर्भवती महिलाएं या जो अभी बच्चे हुए हैं जिनके, उनको अपने आप को बहुत बचा के रखना है, क्योंकि वो खुद तो एक यंग फीमेल हैं, यंग महिला हैं, खुद अपने इन्फेक्शन को अगर हो भी गया तो माइल्ड इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो बच्चे के अंदर अभी इतनी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई है कि वो उसको इस वायरस से लड़ पाए, तो उसको बहुत संभाल के रखना है। हमेशा अपना जो अगर बच्चे को बॉटल से पिलाते हैं तो जो जिस बॉटल से पिलाते हैं उसको ज़रूर बॉयल करके रखें, हर बार पिलाने से पहले उसके निप्पल को बॉयल कर रखें, सो दैट कोई इन्फेक्शन हो तो वो ख़त्म हो सके। और लोगों को, घर के सदस्यों को बच्चे से दूर रखें, बार बार उसे बच्चों को प्यार से लोग उठा लेते हैं, गोद में खिलाते हैं, तो ध्यान रखें कि सिर्फ माँ से कॉन्टैक्ट में रहे, और बच्चे दूर से खिला सकते हैं लेकिन बच्चे को छूए नहीं। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र हैं बरेली से। शैलेंद्र जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, सवाल पूछे। हाँ मैम, हमारा सवाल ये था कि हमारी वाइफ के सिर में जो है सर्दी के टाइम में बहुत ज्यादा ठंडा सा रहता है, तो वो उनके सर में दर्द रहता है हमेशा, और जब गर्मी का टाइम आता है तो उस टाइम में नहीं होता, सर्दी में सबसे ज्यादा होता है। हाँ ठीक है शिवेन जी, देखिए सर में दर्द होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि एक टेंशन टाइप हेडेक होता है, एक माइग्रेन होता है, और जो आपने बोला कि सर्दियों में ज़्यादा होता है गर्मियों में नहीं होता, तो कई बार क्या होता है कि जब विंटर्स होते हैं या सर्दियां होती हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है वातावरण का, तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, थोड़े मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कई बार, तो कुछ लोग जिनकी सेंसिटिव होती है तो कॉन्ट्रैक्शन से कई बार हल्का सा हेडेक हो सकता है, तो उसको हमेशा यही मैं राय देता हूँ कि जनरली सर को ढक के रखा करें, गर्म रखें सर को, तो ये दिक्कत नहीं होगी। यदि उसके बाद भी होती है तो फिर अपने आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें, ताकि कोई और कारण हो तो उसे रूल आउट किया जा सके। जी, और डॉक्टर अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, तो कब तक उम्मीद है तैयार होने की? देखिए, इस पर रिसर्च चल रही हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं, देश में, विदेशों में, हर जगह ही। लेकिन एक किसी भी ड्रग को लॉन्च करने के 4 फेज होते हैं, फेज़ 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। जब फेज 3 क्रॉस करती है कोई ड्रग, तभी वो मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो अभी ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं फेज 1 में हैं या फेज 2 में हैं, तो कितना भी जल्दी करेंगे तो साल भर तो लग जाता है जनरली किसी भी ड्रग को सारी फेजेस क्रॉस करने में। सो अभी कुछ तो समय लगेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, ममता है पीलीभीत से। ममता जी, सवाल पूछिए। जी मेरी लड़की है आशी, उसको गर्मी में जो है ना बेहोश हो जाती है वो, पता नहीं एक दिन से, और एक मिनट जो सही हो जाती है। ममता जी, अपना एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे जरा। मेरी लड़की है आशी नाम की, 12 साल की है, वो बेहोश हो जाती है एक दिन से गर्मी में। बेहोश हो जाती है बेटी गर्मी में। हाँ देखिए, जनरली बेहोश होने का कोई गर्मी या सर्दी से लेन देन नहीं होता है, जनरली ऐसी
बहुत कोई बीमारी नहीं होती जिसमें इंसान बेहोश हो जाए गर्मियों में, अनलेस वो हीट स्ट्रोक जिसे बहुत देर धूप में खड़े रह के कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हमें और इसको इवेल्यूएट करना पड़ेगा कि दौरे तो नहीं आते हैं, कि हाथ पैर में कोई अकड़न भी होती है जब बेहोश होती है, अकड़ जाती है तो दौरे के। अच्छा, मुंह से झाग आता हो। अच्छा, कितनी देर के लिए जनरली बेहोश रहती है, किस कितनी देर के लिए रहती है? बस 5 मिनट होता है, 1-2 मिनट होता है। अच्छा, कभी पहले बताती है कि उसे पता चलता है जब बेहोश होने वाली होती है, कुछ आंखों के सामने अंधेरा छाता हो, चक्कर आते हो? हाँ, थोड़ा सा चक्कर से आते हैं उसको। ठीक है, तो मेरा एक राय रहेगी कि इनका ईईजी करवा लें, एक दिमाग की एक जांच होती है, और एक सीटी स्कैन करा लें। कई बार दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको हम न्यूरोसिस्टी सरकोसिस वाली बीमारी कहते हैं, उनमें भी ऐसे लक्षण आ सकते हैं, तो एक सीटी स्कैन और ईईजी करवा लें जिससे कि कुछ पता चल सकता है कि क्यों बच्चे को दौरे जैसे लक्षण आ रहे हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अंकित हैं उरई से। अंकित जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर सर, मुझे ये जानकारी लेनी है, बच्चे अभी मेरी बच्ची एक एक बच्ची है छोटी, 1.5 महीने की, उसको टीका नहीं लग पा रहा है, तो अभी डेट लगवा सकते हैं क्या टीका? नहीं, टीका क्यों नहीं लग पा रहा है? लॉकडाउन की वजह अभी से? हाँ कोरोना वायरस की वजह से रेड जोन एरिया में है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ बंद है। हाँ, देखिए, टीका जो बच्चों में टीकाकरण होता है उसको बहुत ही टाइमली होना चाहिए, उनके हर एक टीके का एक टाइम पीरियड होता है कि जब बच्चा इतने महीने का होगा तो ये टीका उसके बाद इतने महीने का। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोशिश करें, आप रेड जोन में भी रहते हैं तो गवर्नमेंट जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं वहाँ पे परमिशन लीजिए अपना कलेक्टर से, और जाके बच्चे का टीकाकरण के लिए जा सकते हैं, क्योंकि टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को और बीमारियों से बचाता है। तो जल्द से जल्द कोशिश करिए कि आप टीकाकरण करवाएं। डॉक्टर, क्या टेम्परेचर के हाई होने पर इस कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है? नहीं, ये बात पहले बहुत अटकलें लगाई गई थी कि भारत जैसे देशों में जहाँ पे बहुत गर्मी है और टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मियों के समय में तो ये वायरस के इन्फेक्शन कम होंगे, लेकिन ये दूसरे कई ऐसे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी 40 से ऊपर है लेकिन इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जी तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि टेम्परेचर से इस वायरस का कोई खास लेन देन है। डॉक्टर, जो ब्रिटिश के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बात कही है कि ये जो कोरोना वायरस है, और स्पेशली भारत भारत में हो गया, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की उन्होंने बात की है, जहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि जो श्वेत लोग हैं उनकी अपेक्षा अश्वेत में ज़्यादा कोरोना वायरस पाया जा रहा है, क्या ये बात सही है? ये बात अभी कह पाना, इस पे टिप्पणी करना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैंने अभी बहुत डिटेल में न्यूज़ नहीं सुनी है, तो ये कहना मुश्किल है कि ये ऐसा है। लेकिन हाँ, जनरली जो पाकिस्तान इंडिया यहाँ पर जो इन्फेक्शन है उनमें यंग पॉपुलेशन बहुत होने की वजह से जो ओवरऑल मोर्टैलिटी है या मॉर्बिडिटी है बीमारी को लेकिन वो कम है कंपेयर टू इटली, स्पेन या यूएसए में जो हो रहा है। तो कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, इसमें जो इंडिया में जो आंकड़ा है वो 69,000 के पार हो चुका है, तो इसको लेकर जो लोग बाहर जाते हैं, लाइक कोई कोरोना वॉरियर्स हो गए, चाहे वो डॉक्टर्स हो या पैरा मेडिकल स्टाफ हो, पुलिस प्रशासन हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, तो वो क्या सावधानी बरत सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो कोरोना वॉरियर्स हैं जैसे आपने बताया डॉक्टर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं, अदर हेल्थ से जी रिलेटेड स्टाफ मेंबर्स हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, जिन लोगों को आना ही है बाहर क्योंकि उनका काम रुक नहीं सकता, तो उन लोगों को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पे ध्यान रखना है, क्योंकि जब मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है तो तनाव बहुत होता है। इसको लेके हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी काफ़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी काफ़ी स्कीम निकाली है जिससे कि ताकि जो हम लोग वेबिनार्स के थ्रू जूम ऐप की तरह काफ़ी लोगों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग क्वारंटीन में हैं, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स की ऐसे ड्यूटी लगती है कि 7 दिन ड्यूटी करते हैं फिर 14 दिन वो क्वारंटाइन चले जाते हैं, तो उस दौरान में आइसोलेशन में उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए हम बहुत ज़्यादा ही काउंसलिंग्स करते हैं ताकि वो लोग मानसिक स्वास्थ्य ना गड़बड़ हो, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उनको हमेशा अपना खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, नींद का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, और जो एक मास्क और
हैंड हाइजीन मेंटेन करनी वो करते रहना चाहिए। डॉक्टर, क्या मास्क पहनना घर में ज़रूरी है? नहीं, मेरा मानना है कि यदि आपके घर में कोई सस्पेक्टेड केस नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी किसी कोरोना पॉजिटिव नोन केस के पास से कोई कांटेक्ट हुआ है, कोई बाहर जाने की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, तो आई थिंक घर के अंदर मास्क पहनने का कोई कारण समझ नहीं आता मुझे। डॉक्टर, जो लोग घर से बाहर रहते हैं अपनी जॉब को लेकर, अब वो अपने घर वापस जा रहे हैं, और आज ही बता दें आपको, जो विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनको वापस फिर से बुलाया जा रहा है हिंदुस्तान, अब उनको होम क्वारंटीन किया जाएगा, तो वो क्या सावधान बरत सकते हैं? बिल्कुल, जो लोग भी विदेशों से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन करा जाएगा। तो मेरा मानना है पहले 14 दिन, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, जो 14 दिन का कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया? वो इंक्यूबेशन पीरियड से आया है। जनरली इंक्यूबेशन पीरियड हम किसको कहते हैं? इंसान के अंदर वायरस आने से उसके लक्षण आने के बीच का जो समय होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस वायरस का जनरली जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 to 6 days है, बट इन जनरल वायरसेस का 1 to 14 days होता है। इसीलिए 14 दिन में अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ तो 14 दिन के अंदर उसके अंदर वो लक्षण आ जाएंगे। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट आया है क्वारंटीन का वो 14 days का है। तो मेरा मानना है जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं वो अपने घरों में अगर उन्हें सरकारें क्वारंटीन कर रही है तो कृपया करके वो लोग अपने आप को एक घर के किसी एक कमरे में रखें, कम से कम घर के अदर मेंबर से कांटेक्ट करें अगले 14 दिन के लिए। अगर वो सिम्टम फ्री हैं, कोई नए लक्षण नहीं आते हैं, तो फिर वो भी घर के मेंबर्स की तरह रह सकते हैं। डॉक्टर, ये जो COVID-19 जो ये वायरस है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो वायरस होता है वो हर सरफेस, उसकी टाइमिंग क्या होती है, चाहे प्लास्टिक हो, लोहा हो, या कागज़ हो या कपड़ा हो, तो उस पर कितनी टाइमिंग रहती है? देखिए, ये जो जितना अभी इस वायरस वायरस रिसर्च हुई है, जितना पता चला है, जैसे कपड़े हो गए, लकड़ी हो गई, दफ्ती हो गई, पेपर हो गया, इन सब में इसका जो समय है ज़िंदा रहने का काफ़ी कम है, 6 से 12 घंटे तक जनरली पाया गया है। लेकिन जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं, स्टील हैं, मेटल्स हैं, उनमें इस 72 घंटे तक लाइव रहने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हैंडल डोर्स जो हैं, नॉब्स हैं, लिफ्ट के बटन्स हैं, उन सबको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने फ़ोन को सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, अपने चश्मे को सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पे भी कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो जो हार्ड मेटलिक सब्सटेंसेज हैं उनमें करीब 72 घंटे तक, जो सॉफ्ट मटेरियल हैं, कपड़ा है, लकड़ी है, इन सब चीज़ों में जनरली 12 से 24 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो बता दें, कॉलर्स को नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद सब हाजिर होते हैं। खबरों का सारथी। माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव, नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव। खुदी को आजमाया, कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है। कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है, इसका खात्मा कब तक हो सकता है, कोई उम्मीद?
देखिए हम इसको कोई वैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसका एग्जांपल लेना होगा दूसरे देशों में जहाँ पे इसके मरीज़ घटना शुरू हो गए हैं, या जैसी हमें न्यूज़ में आ रही है, जैसे कि ये दोबारा शुरू हुआ था वुहान के शहर से जो चाइना में, वहाँ पे अब पिछले शायद 1 या 1.5 महीने से कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं आया है। उसी तरह इटली में ट्रेंड डिक्लाइन हो रहा है, स्पेन में डिक्लाइन हो रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ डिक्लाइन हो रहा है। तो जनरली देखा गया ये वायरस का 6 महीने का जो एक पीरियड है उसका डिक्लाइन शुरू होती है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक हर्ड इम्यूनिटी वाली एक पॉइंट आ रही है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जब, तो ये वायरस का इन्फेक्शन कम होने लग जाता है। तो इस साइकिल को देखते हुए हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि अपने देश में बहुत जल्दी इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो जाएगा। डॉक्टर, ये जो वायरस आया है ये किस कहाँ से आया है? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो वुहान का जो अब मीट व्यापार था, मीट मार्केट था, वहाँ से आया है, तो क्या कह सकते हैं कि मीट से आया है कोरोना वायरस? इसका इस पर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए थ्योरीज हैं, स्कूल ऑफ थॉट बहुत अलग अलग हैं। स्टार्टिंग जब सबसे पहले आई थी खबर तो ये हुआ था कि किसी चमगादड़ से, बैट से इन्फेक्शन फैला हुआ है, फिर हुआ है कि किसी एनिमल्स के थ्रू आया हुआ है, फिर कुछ लोगों की ये भी एक थ्योरीज आई जो कि बिल्कुल प्रूव नहीं की जा सकती है, कन्फर्म नहीं है, लोगों का ये मैन मेड वायरस है या मैन मेड चेंजेस किया हुआ वायरस है जो किसी और पर्पस से हुआ था, ह्यूमन की गलती से लीक हो गया है वायरस। तो इसके कौन बहुत डिफ़िकल्ट है अभी कह पाना कि इस पे ये वायरस कहाँ से आया है, क्यों आया है, लेकिन डॉक्टर हाँ, कोई वायरस पैदा ना हो तो इसके लिए लोग क्या करें? वायरस पैदा ना हो इस तरीके से, गली सड़ी गली चीजों से वायरस उत्पन्न होता है? नहीं, देखिए वायरस गड़ी सड़ी चीज़ों से नहीं होता, वो मेनली बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरिया हैं, अदर चीज़ें ज़्यादा हैं। वायरस को हमेशा एक कैरियर चाहिए, समझिए, देखिए वायरस एक ऐसा चीज़ है जो खुद अपने आप हमारे वातावरण में जिंदा नहीं रह सकता कुछ समय के ज़्यादा, उसको एक जिंदा लाइव चीज़ चाहिए, जिंदा इंसान चाहिए, जिंदा जानवर चाहिए जो उसको कैरी फॉरवर्ड करे। अब इस समय कोरोना में क्या है, वो एक इंसान हम में जिंदा है, फिर हमसे दूसरे में जा रहा है, दूसरे तीसरे में जा रहा है, तो ये कड़ी ही तोड़नी है, क्योंकि वायरस अपने आप इन्वायरमेंट जिंदा नहीं रह सकता है, तो वो कड़ी ही तोड़नी, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो ह्यूमंस हों, इन्हीं दोनों के थ्रू ही वायरस जिंदा रह सकता है। डॉक्टर, जो मीट खाने के शौकीन है या फिर जो अंडे खाने के शौकीन है, क्या वो इसका खा सकते हैं मीट या अंडे? अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है जिसमें पाया गया हो कि जो हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाला चिकन है, मीट है या अंडों में किसी तरीके का वायरस इन्फेक्शन पाया गया हो, अभी तक तो ऐसी खबर कोई नहीं है, तो अभी तक तो कह सकते हैं कि हाँ खा सकते हैं जी। तो डॉक्टर, और क्या लोग सावधानी क्या बरत सकते हैं इसको लेकर, मास्क के अलावा, हाथ धोने के अलावा, और क्या सावधानियाँ बरतते हैं? देखिए सावधानियां दो चीज़ें के मैंने, एक तो वो चीज़ हमें पता है कि हमारे सामने एक संकट है, एक महामारी है, उससे बचने के दो तरीके बताएं। तीसरा जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि हम अपने आप को, अपने मन के, अपने अंदर की जो इम्यूनिटी है उसको तंदुरुस्त करें, उसे और ताकतवर बनाएं, जिससे कि यदि वायरस आ भी जाए या इन्फेक्शन आ भी जाए हमें, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखेंगे तो वायरस कुछ हमारा नहीं बिगाड़ पाएगा, और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। इस वायरस की वजह से काफ़ी समाज में, देश में, अगर हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे देख रहे हैं, तो समाज में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, हमारा एयर पोल्यूशन लेवल्स कम हो गए हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो गया है, वाटर पोल्यूशन कम हो गया है, और ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट बेटर हो गए हैं, लोगों के आपसी रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें भी सोचनी चाहिए। तो डॉक्टर, ये जो वायरस है, अब पूरी दुनिया भी इसकी चपेट में आ चुकी है, इसे महामारी घोषित भी कर दिया गया है, और जिस तरीके से जो लोग होम क्वारंटीन होते हैं या फिर सेल्फ क्वारंटीन होते हैं, उसके लिए कितने दिन में उनको क्वारंटीन होना पड़ता है? और एक सवाल ये भी है कि लोगों के अंदर डर बना हुआ है इस कोरोना वायरस के चलते, कुछ लोग अपना चेकअप भी नहीं कराते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली चीज़ कि हमें समझना पड़ा, मैं अगर आंकड़ों पे बात करता हूँ, इस समय हमारे देश में 60,000 के आसपास लगभग केसेस आए हैं, उसमें डेथ जो हुई है वो लगभग अभी 1800 से 1900 की हुई है, तो तकरीबन 2%, 2.5 से 3% लोगों में हुआ है, और ये जो 2.5 से 3% हैं उसमें भी ऑलमोस्ट 99% वो लोग हैं जो मैंने पहले बोला ओल्ड एज पीपल या जिनको क्रॉनिक इलनेसेस थी। तो इससे एक चीज़ जो मैसेज जाता है समाज में कि यदि कोरोना जो यंग लोग हैं या हेल्दी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा
दिक्कत नहीं देता है, माइल्ड इन्फेक्शन होके ख़त्म हो जाता है। तो हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ फैलाने की ज़रूरत है डरने। लक्षण आते हैं, आप बेफिक्र होके जाइए, अपना डॉक्टर से मिलें, अपना इलाज कराएं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए डॉक्टर बंटी है फरीदाबाद से। पंडित जी सवाल पूछिए। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे गले में कुछ अटका हुआ सा लगता है और सीने में जलन वगैरह भी होती है। तो बंटी जी, कितने दिन से तकलीफ हो रही है आपको? ये 2 दिन से दिक्कत है। अच्छा। सीने में जलन होती है और गले में कुछ अटका हुआ सा लगता है। खांसी वगैरह कुछ नहीं है, ना सांस लेने में कोई दिक्कत है। बुखार? नहीं, बुखार वगैरह भी कुछ नहीं। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है? ये दो दिन से तकलीफ है। आपकी उम्र कितनी है? ऐसी है 40-40। अच्छा, आपको और किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, डायबिटीज बीपी इस तरीके की? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी थोड़ा अपना खान पान ध्यान रखें और थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डाल के गरारा करें या बीटाडीन गार्गल कर लें, 2 दिन करके देखें, हो सकता है आपका उसी से आराम आ जाए। यदि नहीं आता तो फिर आप एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे। डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। और आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के यहाँ पर जवाब मिल गए होंगे। और के न्यूज़ की तरफ से आपसे यही अपील है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करिए, लोगों से दूरी बनाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।